हुआ है। ओके गुड, क्वेश्चन पढ़िए। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इज नीड टू मीट द फ्यूचर इकोसिस्टम। ये समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल सही, इज नीड टू मीट द फ्यूचर इकोसिस्टम। भविष्य में इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए सस्टेनेबल फाइनेंसिंग जरूरी है। व्हाट इज सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? मतलब द थिंग्स शुड बी यूज इन सच ए मैनर दैट द फ्यूचर जनरेशन शुड नॉट गेट हैम्पर्ड, शुड नॉट गेट लॉस, शुड नॉट गेट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, उनको कोई दिक्कत ना हो भावी पीढ़ी को। इसलिए रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का क्या मतलब है? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फाइनेंस? बिल्कुल सही, किसी चीज में इन्वेस्ट करना और किसी को लोन पे पैसा देना फाइनेंसिंग। क्लियर है? किसी में इन्वेस्ट करना फाइनेंसिंग। और फाइनेंसिंग का जस्ट उल्टा होता है इकोनॉमिक्स, वित्त और अर्थ। उसमें फाइनेंसिंग में क्या करते हैं? एवरीथिंग इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन क्वांटिटेटिव टर्म। ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ? मात्रात्मक। मात्रात्मक का मतलब क्या हुआ? दो रुपया, एक रुपया, चार रुपया, दस रुपया, सौ रुपया, इट इज क्वांटिटी। क्लियर? गिन सकते हैं। क्वालिटेटिव गिनेंगे आप? नहीं गिन सकते, फील कर सकते हैं, है ना? अभी कितनी क्वालिटी है, कितने किलो की है तो नहीं गिन पाएंगे। क्वांटिटी में पूछा जाए कि कितने विंग्स है तो खट से गिन लेंगे। उस विंग्स की क्वांटिटी क्वालिटी पूछा जाए तो इट इज़ वेरी टफ। हाउ टू डिराइव द क्वालिटी एंड कैन इट बी कन्वर्टेड इन टू द क्वांटिटी? नो, दैट इज नॉट सो ईजी, बट देयर इज प्रोविजन। व्हाट इज द प्रोविजन? क्या प्रोविजन है? देखो, क्वालिटी क्वांटिटी, तो फाइनेंसिंग किस में आ गई? क्वांटिटी में। क्लियर है ना? फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? लोन देना किसी को, पैसा इन्वेस्ट करना, है ना, क्रेडिट फैसिलिटी देना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग। अक्सर लोग बोलते हैं अरे यार फाइनेंस की सुविधा नहीं है, क्या बिजनेस शुरू करूं? मतलब पैसे नगद क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गया क्वालिटेटिव। क्या होगा ये? इसका बेसिस क्या होगा? इकोनॉमिक्स। इसका बेसिस क्या होगा? क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त, जो कभी दिखाई ना पड़े, फील कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? कंक्रीट। मूर्त, जो दिखाई पड़े, तो पैसा तो गिनने में दिखाई पड़ेगा। और कहा जाए कि क्वालिटी, तो क्वालिटी दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ बोलिए, बिल्कुल आ सकता है। जो चीज़ें दिखाई ना पड़े, फील कर सकते हैं। तो अब देखो, ये इसको ठीक से समझ लेना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस को अकेले सॉल्व करने का क्षमता रखता है। अब समझ रहे हैं, इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये हर क्वेश्चन को समझने में आपको मदद करेगा एंड यू विल गेट एनरिच्ड बाय अडॉप्टिंग दिस अंडरस्टैंडिंग। ठीक से समझ लेना भाई, ये बहुत जगह काम आएगा। तो क्वालिटी जो होता है, वो उसको यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट यू कैन टच, यू कैन नॉट क्वान्टिफाई की हाउ मच क्वालिटी पजेस, नहीं आएगा। इसमें होता क्या है कि द प्रोजेक्ट विच इज नॉट क्वालिफाई इन द फाइनेंशियल टर्म, दैट प्रोजेक्ट गेट्स क्वालिफाइड ऑन द इकोनॉमिक्स टर्म। कैसे कैसे होगा? कोई प्रोजेक्ट है, सपोज इफ यू आर गोइंग टू मेक एनी प्रोजेक्ट, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन एनी प्रोजेक्ट, फाइनेंसिंग जीरो है मान लीजिए, तो क्वालिटी कैसे, इकोनॉमिक्स कैसे आएगा? इसके बेसिस पे नहीं आएगा क्वांटिटी। क्वालिटी कैसे आएगा? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या कहता है? लाइफ स्टाइल ऑफ द पब्लिक, है ना, प्रिवेंशन,
इन एक्सीडेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर स्ट्रेटा ऑफ पीपल, तीन और भी पॉइंट हो सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि एक प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपया लगाने से यदि हमको फाइनेंसिंग में रिटर्न भले 0 मिला, तो वहाँ के लोगों को जो रोजगार मिला, दुकानें खुली, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई, उन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ, लाइफ स्टाइल ऊँची हुई, तो ये सब जो है क्या है, इकोनॉमिक्स के तहत, आर्थिक व्यवस्था के तहत उनका उनका अपग्रेडेशन हुआ। जब वहाँ पे बिजली का या कुछ भी एक्स वाई जेड हो रहा था और कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे बीमारी थी, उस बीमारी को या उस कमी को ठीक हमने कर दिया, सपोज कहीं पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बना और उसके साथ में रोड बन गया, उसी पुल पे लोगों का आना जाना सुगम हो गया, पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम हो गया, तो दैट एक्टिविटी शुड बी कन्वर्टेड इनटू फाइनेंस। लोगों का एक्सीडेंट कम हो गया, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ हमने फैसिलिटेट कर दी, तो वो सब चीज़ें फ़ायदा हुआ ना। वही मैंने लिखा है कि लाइफ स्टाइल सुधर गई, बिजनेस मिल गया, प्रिवेंटिव एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं बहुत हो रही थी, वहाँ कुछ रोड जो है ख़राब था उसके प्रोजेक्ट के चक्कर में वो बन गया या डायरेक्ट बन गया, अपलिफ्टमेंट ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है हुई, इसको हम क्वांटिफाई कर देंगे पैसे के टर्म में, और जो पैसा आएगा फिर उसको मान लेंगे कि उस प्रोजेक्ट का रिटर्न वो पैसा है। फिजिकल पैसा नहीं आया, पैसा कैसे आया, इनडायरेक्ट। आगे चले तो हो सकता है कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चक्कर में सरकार को कुछ वहाँ पे बेस बनाना हो, चाइना बॉर्डर है, वहाँ रिटर्न तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन कैलकुलेट कैसे करिएगा कि सपोज अगर वार हुआ तो कितने लोग मारे जाएंगे या कितना अर्थ, कितना पैसे का नुकसान होगा, उसके वो बचेगा ना, तो उसको आप कन्वर्ट कर देंगे क्वांटिटी में, ठीक है, और उसको जोड़ देंगे टोटल आउटपुट में, फिर ये इसका मुकाबला करेगा फिर, ठीक है ना, ये ए और बी का मुकाबला तब होगा। तो इसके बेसिस पे वो हमेशा जो है लीड कर जाता है प्रोजेक्ट। अपलिफ्टमेंट हुआ, टूरिज्म बढ़ा, लोगों को रोजगार मिला, इंटरनेशनल इमेज क्रिएट हुई, स्ट्रेटजिक लोकेशन अगर होगा तो उसका भी फायदा होगा। तो कोई भी चीज़, इफ़ यू आर गोइंग टू इवेलुएट एनी प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज द रिटर्न ऑफ दैट प्रोजेक्ट, यू शुड ऑलवेज नॉट कन्फाइंड योर इवेलुएशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वान्टिटी, बट यू शुड फोकस योर रिटर्न ऑन बेसिस ऑफ क्वालिटी बाई कंसिडरिंग ऑल दिस पैरामीटर। क्लियर है, समझ में आया कंसेप्ट, ये थोड़ा टफ है, थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। जनरली लोग कैलकुलेट करते हैं फाइनेंसिंग पे कि हमने 100 रुपये लगाया, साल में 0 मिला, तो कहेगा कोई फायदा नहीं है छोड़ दो, तो ये भूल जाएगा कि 100 रुपये लगाने की वजह से दूसरे को कितना फायदा हुआ, उसको कैसे कन्वर्ट करें, दैट इज इकोनॉमिकली वाइबल। क्लियर है, तो ये आपको कई जगह काम आएगा किसी चीज़ के, किसी क्वेश्चन के बारे में, व्हेन इट विल बी आस्क्ड that on what ground you can justify a viability of phalanwa project of railway line ya phalana project of 6 km long bridge, to aap paisa ka return nikaloge ki usme toll tax nahi mil raha to kabhi nahi niklega, kaise justify karenge, question jo aayega mains mein ya ias ke priya jahan bhi, to aapko ye formula adopt, kisi ko malum nahi rehta theek se, ye ek question aaya hua hai ki what else can be considered to evaluate the project's return in addition to finance, वित्त के बजाय कौन सा ऐसा कारक को आप चुनेंगे जिसके आधार पर किसी परियोजना का मूल्यांकन करेंगे। अब आप ये समझ नहीं पाइएगा, इसमें यही है economics, बहुत सुना होगा आपने economics, economics रोज पढ़ते हैं इसलिए, लेकिन what is economics and how it can be used to evaluate the project, you are not aware about that. So I have tried to make it clear that the what is the ground and how it will get calculated. Clear है, कोई doubt हो तो पूछ लो, ये तुमको कई जगह काम आएगा, direct question में तो आएगा ही,
कि आप किसी परियोजना का मूल्यांकन वित्तीय आधार के आधार पर असफल होने के बावजूद वे कौन से आधार होंगे जिस पर आप उसको जस्टिफाई करेंगे, क्वेश्चन आएगा। अब उसमें जितने पब्लिक को फायदा हो रहा है, एनवायरनमेंट को फायदा हो रहा है, पीपल्स को फायदा हो रहा है, ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है, उसका दो चार चीज उठा लो। सस्टेनेबल को अभी तो उस पर आ रहे हैं, तो बीच का कुछ क्वेश्चन उठा लिए थे ना, इसकी बात कर रहे हो ना तुम, अभी आ रहे हैं इस पे। तो सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का मतलब, फाइनेंस का मतलब समझ गए ना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक नहीं कह रहा है, ध्यान देना मेरी बात पे, सस्टेनेबल फाइनेंस कह रहा है। तो सस्टेनेबल फाइनेंस इज ए क्रूशियल टू मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर इकोसिस्टम। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग रेफर्स टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एड्रेस एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ये तीन शब्द ध्यान रखिए क्या है, ये अलग अलग आ जाता है कि व्हाट डू मीन बाई ESG। ये ESG याद रखना, ESG आता है खाली ESG लिख देगा, व्हाट इज ESG एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, आप समझ रहे हैं, पूरा पूरा नाम नहीं देता कई जगह। ESG इज एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, इट इज की मैकेनिज्म फॉर मोबिलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर कैपिटल टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव। फ्यूचर इकोसिस्टम फेसेस वेरियस चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्स डिप्लेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस विच रिक्वायर्स अर्जेंट एक्शन। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग कैन प्ले क्रिटिकल रोल इन एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस बाई डायरेक्टिंग पीपल टुवर्ड्स सस्टेनेबल प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव दैट प्रमोट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। देखो अमित, जो तुम पूछ रहे हो उसका जवाब यहाँ आ गया, क्या कह रहा है कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग जो है क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को, सोशल डेवलपमेंट को एंड गुड गवर्नेंस को। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस रिस्क एंड इनहेंस लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन फॉर इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनी बाई कंसिडरिंग ESG फैक्टर इन देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन आइडेंटिफाई एंड मैनेज द रिस्क, दिस कैन लीड टू मोर रिसिलियंट सस्टेनेबल पोर्टफोलियो। आई मीन टू से कि इकोसिस्टम को किस तरीके से सस्टेनेबल फाइनेंसिंग प्रमोट करता है, यही कह रहा है ना, फ्यूचर इकोसिस्टम को कैसे। तो जब आप किसी को पैसा देंगे तो आप उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा देंगे जिससे पर्यावरण को कुछ फायदा पहुंच रहा हो, क्लियर है। अगर पर्यावरण को कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है या जीरो फायदा है, तो दैट इज नॉट नोन एज सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, फिर वो होगा नॉर्मल फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का क्लियर सा मतलब है कि ऐसी चीज़ों में पैसा देना सरकार के द्वारा जिस काम को करने से, जिस काम को करने से पर्यावरण को और इकोसिस्टम को फायदा हो। जैसे वो क्या, कौन सा प्रोजेक्ट सैंक्शन करेगा, जितना जो है ग्रीन प्रोजेक्ट्स है, क्या क्या है ग्रीन प्रोजेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलर, वेरी गुड, देखिए सही सही बोला इन्होंने, सोलर हो गया, सोलर प्रोजेक्ट रेदर देन फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी में जो भी नॉन रिन्यूएबल जो है ना, बिल्कुल, और इथेनॉल, बिल्कुल सही, 20% 25% रिडक्शन करेगा इथाइल इथेनॉल जो है ब्लेंडिंग, और क्या हो सकता है, फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, ये नाम सुना है ना, व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री, ये तो बहुत पुराना शब्द है, सोशल फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेगा, और किसको प्रमोट करेगा, नेचुरल फार्मिंग, इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्मिंग है ना, इसको प्रमोट करेगा, फिर पॉल्यूशन फ्री, जैसे आपने पेट्रोल डीजल के जगह पे ग्रीन व्हीकल ले लिया आपने, अगर आप आज ग्रीन व्हीकल का फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो तुरंत लोन मिलता है धड़ाक से, और वहीं जाइएगा नॉन ग्रीन वाले पे कहेगा इंतज़ार करो, इसके लिए ग्रीन बैंक बनाए गए हैं, ठीक है, ग्रीन बैंक आगे आएगा हो सकता है। व्हाट इज ग्रीन बैंक, ग्रीन बैंक मतलब
वे बैंक जो इकोसिस्टम इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट को खाली फाइनेंस करते हैं जैसे ये सब। तो ये सोशल फॉरेस्ट्री फंड क्या है, सरकार के जितने जो है अपनी ज़मीनें हैं पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे नदी के किनारे, नहर के किनारे, सड़क के किनारे, या ऐसी बैरन लैंड परती भूमि जहाँ पे कोई उपयोग नहीं हो रहा है, टू प्लांट ट्रीज ऑन दैट एरिया ऑन दैट लैंड इज कॉल्ड सोशल फॉरेस्ट्री। क्या बोलते हैं, सामाजिक वानिकी। आज भी होता है, देखोगे आप, सरकार जमीन दे देती है पट्टे पे, पेड़ लगाओ। 78 या 75 में हुआ था। तो दिस इज कॉल्ड सोशल फॉरेस्ट्री। तो उसको फाइनेंस करना आसान है। क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एनी डाउट? नो। तो इसको कई तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा कि हाउ कैन सस्टेनेबल फाइनेंसिंग बी मोर मीनिंगफुल फॉर इकोनॉमिक रेदर देन फाइनेंसिंग। अब इसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक के बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाई हो जाएगा। कितने लोगों की जान है, कितने लोगों का प्रदूषण है, कितनी सब चीज़ें जो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे सॉल्व होगी, और उसका फिर मनी में कन्वर्जन करिएगा तो वो अपने आप जो है रिटर्न ज़्यादा दिखेगा। अब फाइनेंस के बेसिस पे डायरेक्ट करिएगा तो नहीं होगा। तो ये चीज़ जल्दी कोई बताता नहीं है आपको, क्योंकि लोगों को ठीक से मालूम नहीं रहता। अब ये चीज़ आप याद रखिए कि कैसे चीज़ें जो है बनती है, बिगड़ती है, और कैसे आंसर लिखना चाहिए। तो इसको आप ठीक से समझ लीजिए, और ठीक से समझने के क्रम में हमने ये बताया कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे, उसको किस में बदलिए, पैसे के फॉर्म में। वो फॉर्मूला होता है नेशनल